दोस्तों, ठंड के सीजन में तरह तरह के भरवा पराठे बनाने का मन करता है। इनमें सबसे ज़्यादा अगर कोई पराठा टेस्टी लगता है तो वह है सोया के साग का पराठा। आज हम आपको सोया के साग के पराठे बनाने का ऐसा तरीका बताएंगे कि अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो यह आपको बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे और आपके पूरे परिवार को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएंगे। बच्चों से लेकर बड़े सब आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो चलिए, वक्त बर्बाद किए बगैर शुरू करते हैं पराठे को बनाना। मगर इससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दीजिए। सोया के साग का पराठा बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है आधा पाव सोया का साग। इसको हमने अच्छी तरह से साफ कर धो लिया है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसको हमें बहुत ही महीन महीन काटना है। जितना ही महीन काटेंगे पराठे उतने ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो अब साग हमने काट लिया है। अब गैस चूल्हे पर पैन रखेंगे और उसमें डाल देंगे एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल कोई भी ले सकते हैं मगर सरसों का तेल ज़्यादा अच्छा रहता है। और जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें 8-10 लहसुन की कलियों को लंबाई में काट कर डालेंगे। और जब यह हल्की सुनहरी होने लगे तो इसमें 2 साबुत मिर्च तोड़ कर डाल देंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे आधा चम्मच मेथी दाना, 2 चुटकी हींग और अब डाल देंगे सोया का साग। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद नमक स्वादानुसार डालेंगे, ढककर पकाएंगे। तो करीब 5 से 7 मिनट में हमारा साग बनकर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर लेंगे 3-4 उबले हुए आलू और यहाँ पर 1 प्याज को इस तरह से फाइन चॉप कर लेंगे। इधर साग ठंडा हो चुका है, इसको बाउल में डालेंगे और ऊपर से डालेंगे आलू और प्याज भी डाल देंगे। इसके ऊपर से डालेंगे आधा छोटा चम्मच कुटी मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा धनिया का पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच अमचूर पाउडर। और अब हम आलू को मैश करते जाएंगे और इन सभी चीज़ों को आपस में मिक्स करते जाएंगे। तो देखिए, पराठे के लिए फिलिंग बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमने एक बाउल में 2 कप आटा लिया है। इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे जिससे कि आटे का कलर अच्छा हो जाएगा और पराठे भी काफ़ी देखने में भी अच्छे लगेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी हींग, नमक स्वादानुसार डालेंगे, 1 छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंथते जाएंगे। आटा हल्का सा गीला ही रखें जिससे कि फिलिंग ज़्यादा से ज़्यादा भर सके। और उससे एक फ़ायदा ये भी रहेगा कि फिलिंग भरते समय हमारा पराठा फूटेगा नहीं। अगर आटा टाइट रहेगा तो बेलते वक्त पराठे फटने का चक्कर ज़्यादा रहता है। तो इस तरीके से लोई बनाएंगे और फिर इसमें फिलिंग को भरकर ऐसा सेप देंगे। अब पाटे पर सूखा आटा लगाकर इसको बेल लेंगे। अब तवे पर घी या तेल कुछ भी लगाएंगे और इस तरीके से पराठे को डाल देंगे। इसको सेक लेंगे और आँच को हमें मीडियम ही रखना है। मीडियम आँच पर पराठा अच्छे से पकेगा, कुरकुरा भी रहेगा और जलेगा भी नहीं। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से पराठा फूल रहा है। तो इस तरीके से हम सभी पराठे सेक लेंगे और अब इनको सर्व करेंगे। तो देखिए कितना अच्छा पराठा बनकर तैयार हुआ है। इसके अंदर ढेर सारी फीलिंग भी दिख रही है। तो दोस्तों, लीजिए गर्मा गर्म स्वादिष्ट पराठे का आनंद। इसको आप ज़रूर बनाना और अपने परिवार को खिलाना। फिर हमें कमेंट करके बताना कि आपको यह कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दें ताकि आपको हमारी नई नई रेसिपी की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलती हूँ किसी शानदार, जायकेदार और बेहतरीन रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।